हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैंपल्स पर। मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सांकेतिक भाषा होता क्या है। सांकेतिक भाषा में वह अपने वास्तविक मान में न होते हुए एक काल्पनिक मान होता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, यदि आसमान को कार कहा जाए और कार को पानी कहा जाए और पानी को बादल कहा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ अल्फाबेट के भी क्वेश्चन आते हैं। और इससे पहले इसमें आपको जानने की जरूरत होगी अल्फाबेट कोडिंग की, यानी कि ए से लेके जेड तक उनके जो नंबर होते हैं 1 से लेके 26 तक, वह आपको जानना जरूरी होता है। जैसे कि ये होता है ए बी सी डी ई .. 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
.26। ये कोड आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम ये इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आता है तो ये कोडिंग बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम नीचे आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उस पे जाके आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि सांकेतिक भाषा में रीड को READ, रीड को TGCF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा अपोजिट वर्ड, यानी अपोजिट वर्ड होता क्या है। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरह से आपको अपोजिट वर्ड जानना होगा। एक तरह से हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, इसका कोड होता है एक, इसका होता है 26, इसका होता है बी, इसका होता है 25, इसका होगा 3, इसका होगा 24। यदि इन सभी को अगर टोटल करेंगे, इसे एक को और 26 को टोटल करेंगे तो इसको ये आ जाएगा अपना 27 आएगा। यदि अपोजिट वर्ड हमारा सही नहीं निकल रहा है तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। अगर 27 आता है तो हमारा ये बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं READ। सबसे पहले हम क्वेश्चन में कोडिंग कर लेंगे, यानी कि ये READ का कोड क्या होगा TGCF का। या सब शुरू करते हैं। आर का कितना होता है 18, ई का होता है 5, ए का होगा 1, बी का हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, टी होगा 20, जी हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 3, एफ हो जाएगा 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो इसमें किस तरह का रिलेशन बन रहा है, READ और TGCF में किस तरह का रिलेशन बन रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पर है 18, यहाँ पर कितना है 20, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2। यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ कितना है 7, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है इसमें, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है। और यहाँ पर भी देखते हैं एक में, तो यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, 1 और 2 3, 4 और 2 6, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, यानी कि R के बाद ST एक अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर आ रहा है EFGABCDEF। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आइए इसी तरह से इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी भी कोडिंग कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 18। तो हमें क्या करना है, या तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं D यानी कि 4, कोड के द्वारा भी लिख सकते हैं, 6 आ जाएगा, 5 के बाद फिर आ जाएगा 7, 1 के बाद कितना आ जाएगा 3, 18 के बाद कितना आ जाएगा 20। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसे, और हम इसे D के बाद एक अक्षर छोड़ के DEF आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि F का कोड 6 होता है, EGH आ जाएगा यहाँ पे, ABC आ जाएगा यहाँ पे, है R और यहाँ पे आ जाएगा ST, यानी S को छोड़ के यहाँ T आ जाएगा।
यदि हमें कोड पता है तो हम कोड से आसानी से कर सकते हैं। अगर कोड नहीं मालूम होगा तो हम इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। और कोड याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, उस पर आप जाके आसानी से सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्वामीनाथन को IMAWS NAHTA कहा जाए तो SIRNAME को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाएं, अगर नहीं बनता है तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वामी को अलग कर दिया है, ATHAN को अलग किया गया है, फिर इसे कैसे लिखा गया है पलट के IMAWS इस तरह से लिख दिया गया है, फिर N है ये जैसा का तैसा छोड़ दिया है, फिर है ATHAN इसे किस तरह से लिखा है पलट के लिखा है NAHTA यानी कि इसे बैक से लिख दिया गया है और इसे भी यहाँ से बैक से लिखा गया है, तो इसी तरह से इसे लिख सकते हैं। तो इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि SIR अलग कर देंगे, AME अलग कर देंगे। तो इसे अलग करने के बाद इसे किस तरह से लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं इसे यहाँ से, फिर I, फिर आ जाएगा S, फिर N जैसा का तैसा आ जाएगा, ये जो N है इसमें कोई इंटरचेंज नहीं किया गया है, फिर आ जाएगा E, फिर आएगा M और फिर आ जाएगा A, इस तरह से इसे बनाया गया है। आपको क्वेश्चन ये जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ स्काई इज ब्लू और 24 का अर्थ है ब्लू कलर और 436 का अर्थ है कलर इज फन, तो फन के लिए कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये हमने ये तीन स्टेप दी हुई थी, 526 का अर्थ दे रहा है ये, 24 का अर्थ है ब्लू कलर, 436 का है कलर इज फन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आइए कैसे शुरू करते हैं इसे, इसे किस तरह से बनाएंगे। इसमें हम ये सबसे पहले एक और दो, इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है, यानी कि इधर हमें ये दो कॉमन दिख रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन होगा वही देख लेते हैं, अगर जब वो नहीं है तो कोई एक कॉमन मिल रहा है तो उसे ले लेंगे। यानी कि दो कॉमन है और इधर क्या कॉमन है, इसका इज ब्लू, ब्लू कलर, यानी कि इधर है ये ब्लू, तो ब्लू का क्या कोड हो जाएगा, दो, ब्लू का कोड मिल गया हमें। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 526, 436, यानी कि ये अपना 6 कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि 526 और 436 यानी कि 6 कॉमन है, तो इसे स्क्वायर से क्लोज कर देंगे इस 6 को। अब राइट साइड देखते हैं कि राइट साइड में फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, यानी कि इसका इज ब्लू, कलर इज फन, यानी कि इसमें इज आ रहा है, तो इसे भी स्क्वायर से क्लोज कर देंगे, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 6। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, सेकंड थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, 4, इसे ट्रायंगल से क्लोज कर देंगे। अब राइट साइड देखते हैं, राइट साइड क्या कॉमन है, कलर, यानी कि इसे भी ट्रायंगल से बंद कर देंगे, तो कलर का क्या कोड हो जाएगा, कलर का कोड हो जाएगा 4। अब पूछ क्या रहा है, फन, तो बचा हुआ है वो फन का हो जाएगा, यानी कि फन का कोड हो जाएगा अपना 3। क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मौलवी को पुजारी कहा जाए, पुजारी को सैनिक, सैनिक को भिखारी, भिखारी को कलाकार, कलाकार को वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को चोर कहा जाए, तो बताइए कि देश की सुरक्षा की बागडोर कौन संभालेगा। यानी कि इसमें ये जो कहा गया है वही हमें सत्य मानना है, चाहे वह क्यों झूठ भी क्यों ना हो, ये तो सांकेतिक भाषा है, जो हमें संकेत दिया गया है वही हमें मानना पड़ेगा चाहे वह झूठ भी क्यों ना हो। यानी कि पुजारी, पुजारी को सैनिक कह रहा है, कहीं भिखारी को कलाकार कह रहा है, कलाकार को वैज्ञानिक कह रहा है, तो यही हमें सत्य मानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, बताइए देश की सुरक्षा की बागडोर कौन संभालेगा।
तो मौलवी को क्या है, पुजारी, पुजारी को क्या कह रहे हैं, सैनिक, सैनिक को कह रहे हैं भिखारी, भिखारी को कलाकार, कलाकार को वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को चोर, तो सैनिक ही संभालेगा, तो सैनिक को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भिखारी, यानी कि इसकी बागडोर कौन संभालेगा, भिखारी, भिखारी अपना आंसर हो जाएगा। हमें दिया हुआ है पैन डैन सैन को क्षम सफल जीवन, सैन कैन मैन को सफल कठिन रहस्य कहा जाता है, और मैन पैन चैन को रहस्य मुख्यम तथ्य कहा जाता है, तो चैन को क्या कहा जाएगा। तो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था, उसी तरह से इसे भी करते हैं। तो ये सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कौन सा कॉमन हो रहा है लेफ्ट साइड में, यानी कि इसमें पैन डैन सैन, तो इसमें क्या आ रहा है, सैन कैन मैन, यानी कि ये कॉमन आ रहा है अपना सैन, तो इसे राउंडेड कर दिया। और राइट साइड में क्या कॉमन है, मुख्य सफल जीवन सफल कठिन रहस्य, यानी कि इसमें ये सफल कॉमन है, यानी कि शैन का क्या हो जाएगा, लेकिन हमें शैन की जरूरत नहीं है अभी, हमें क्या पूछ रहा है, चैन, तो हम ओनली चैन का ही निकालेंगे। आगे हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में, पेन डेन सैन तो हटी गया, मैन पेन चैन, यानी कि इसमें पेन कॉमन आ रहा है, इसे त्रिभुज से बंद कर देंगे जिससे पहचानने में आसानी होगी, और इसमें इधर क्या कॉमन आ रहा है, मुख्यम, इधर आ रहा है मुख्यम। और अब सेकंड और थर्ड को लेते हैं, सैन कैन मैन, यानी कि कैन मैन देखेंगे, ये तो कॉमन हो गया, मैन कॉमन आ रहा है इसमें, इसे कर देंगे चतुर्भुज से मैन को बंद, और इधर देखते हैं क्या कॉमन है, इधर है रहस्य, इधर क्या आ रहा है, रहस्य, तो क्या बचा है, चैन, पूछ किसका रहा है, चैन का, यानी कि जो बचा हुआ है वो कॉमन नहीं है, वह चैन का हो जाएगा, तो चैन का क्या हो जाएगा, तथ्य, चैन का हो जाएगा तथ्य। इसमें हमें दिया हुआ है पर्क का कोड दिया है 53-94, शर्ट का कोड दिया हुआ है 17-69-8, और पंडित का कोड दिया हुआ है 53-20-68, तो इसमें पूछ रहा है कि निसार का कोड क्या होगा, तो इसे किस तरह से करेंगे, यदि इसका कोड अगर देखते हैं तो पी का कितना होता है 16, ए का कितना होता है एक, आर का 18 और के का होता है 12, लेकिन यहाँ पर तो ये 5 दिया हुआ है, यहाँ ये 3 दिया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर ये 4 है, तो ये किस तरह से आया है, तो यहाँ पर ये एक घटा के देखते हैं तो यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन ये 3 किस तरह से आया, यहाँ पे तो घटाना भी नहीं है ना गुणा हो सकता है, और अगर कुछ होगा तो सभी में सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा, तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे मान के, यानी कि पी का कोड क्या है 5, ए का है 3, आर का 9, के का 4, तो इसी तरह से आर का यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या यही है, आर का 9 है यहाँ पर, आर भी आर का 9 है, और कोई और देख लेते हैं कॉमन, ए का कितना है 3, यहाँ पर ए का कितना है 3, तो यही कोड दिया हुआ है, हमें यही काल्पनिक मानना है, हमें वास्तविक से कोई मतलब नहीं है, काल्पनिक ही लेके चलेंगे, जो दिया है वही सत्य मानना पड़ेगा। आपको दोस्तों जरूर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एन कहां पर है, ये तीसरे नंबर पे, तो यहां से ये कितना ले लेंगे 2। अब आता है आई, आई कहीं से भी उठा लो, यहां से भी ले लो या यहां से भी ले लो, यहां पर ये सेकंड लास्ट, ये सेकंड लास्ट कितना है 6, यहां पर भी चेक कर लेते हैं थर्ड नंबर पे क्या है, ये है 6। अब लेते हैं एस, एस ये फर्स्ट, यानी कि ये आ जाएगा 1। अब आता है H, H सेकंड नंबर पर है तो ये कितना है 7। अब आता है A, A कितना दिया हुआ है यहाँ पे A, ये है 3 सेकंड नंबर पर। R, R कहाँ दिया है, यहाँ पर भी सेकंड लास्ट है, यहाँ भी सेकंड लास्ट है, यहाँ भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यानी कि निसार का कोड हो जाएगा 26-17-39। आई होप दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर समझ में आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।